उनके लिए एक बहुत अच्छी रिप्लाई वीडियो में बना रहा हूँ, जो कहते हैं कि ब्लॉगिंग इज डेड, ब्लॉगिंग वर्क नहीं कर रही है, आप SEO से ट्रैफिक नहीं ला सकते हो। उनके लिए भी मैं एक बहुत खतरनाक वीडियो ला रहा हूँ, जहाँ पे मैं एग्जैक्टली आपको ये वेबसाइट रैंक करके दिखाऊंगा, नॉट जस्ट रैंक, इस वेबसाइट से पैसे भी कमा के दिखाऊंगा। ये भी एक लेसन है उन लोगों के लिए जो 20-30 आर्टिकल डाल के अपने ब्लॉग पे काम करना बंद कर देते हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रैक्टिकल गाइड इज़ोइक अप्रूवल 2024 की। क्या आप भी एक बिगिनर ब्लॉगर हैं एंड आपको एडसेंस से ऊपर बढ़ना है, या फिर आप एक इंटरमीडिएट ब्लॉगर हो चुके हैं एंड अब आप ट्राई करना चाहते हो कुछ नया अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करने के लिए, और आपके पास अच्छी कंट्रीज से ट्रैफिक आ रहा है, राइट? तो उसके लिए आप इज़ोइक एज एन एड एक्सचेंज यूज़ कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे। मैंने पास्ट में यहाँ पे 2-3 वीडियोज़ बनाई है इज़ोइक के ऊपर, उनको आप जाके यहाँ चेक कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ 2024 की गाइड कि एग्जैक्टली आप इज़ोइक को कैसे अप्रूव करा सकते हो, एंड ये कोई बेसिक वीडियो नहीं होने वाली है। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली अपनी खुद की एक वेबसाइट दिखाने वाला हूँ जिसको मैंने इज़ोइक में अप्रूव करवाया है। वो वेबसाइट पूरी आपके सामने विद URL आपको दिखाऊंगा, एंड नॉट जस्ट दैट, आगे आने वाली वीडियोस पे इसी वेबसाइट के ऊपर मैं और भी वीडियोस ला रहा हूँ कि कैसे मैं इस वेबसाइट को, एक ब्रांड न्यू वेबसाइट को, सक्सेसफुली रैंक करवा पा रहा हूँ गूगल में, एंड उनके लिए एक बहुत अच्छी रिप्लाई वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो कहते हैं कि ब्लॉगिंग इज डेड, ब्लॉगिंग वर्क नहीं कर रही है, आप SEO से ट्रैफिक नहीं ला सकते हो। उनके लिए भी मैं एक बहुत खतरनाक वीडियो ला रहा हूँ, जहाँ पे मैं एग्जैक्टली आपको ये वेबसाइट रैंक करके दिखाऊंगा, नॉट जस्ट रैंक, इस वेबसाइट से पैसे भी कमा के दिखाऊंगा, सब कुछ लाइव आपकी आंखों के सामने, हर एक चीज इस वेबसाइट कि स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसा कंटेंट मैं लाऊंगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कोई भी यूट्यूबर या ब्लॉगर ले आओ इस स्पेस में जो आपको इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ ओपनली अपनी वेबसाइट्स दिखाए, ओपनली हर चीज करके दिखाए, मैं आपको करके वो दिखाने वाला हूं। उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरे को अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया और मेरे आप पॉडकास्ट नहीं चेकआउट कर रहे तो वो भी जरूर से चेकआउट करो। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूं कि ये वेबसाइट जो है वो करेंटली अप्रूव्ड है इज़ोइक के अंदर। आप यहां पे वेबसाइट का नाम इजीली देख सकते हो। नॉट जस्ट दैट, यहां पे देखो हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक भी ऑलरेडी आ रहा है और अर्निंग्स भी हो रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हो करेंटली 374 विजिटर्स पे मेरे को ऑलरेडी क्लोज टू $2 बन चुके हैं। सो आप इस नीश का, जिस नीश में मैं काम कर रहा हूं, उसका RPM सोच सकते हो कितना खतरनाक RPM है, क्योंकि US माइक्रो नीश ब्लॉगिंग की ये एक पर्टिकुलरली नीश है। यहां पे अगर आप मेरा EPMV देखोगे, मतलब जो आप जिसको CPM कह सकते हो, तो यहां पे मेरा CPM ऑलमोस्ट $5 के आसपास का है। सो आप सोचो जब इस वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा तो कितनी ज्यादा अच्छी अर्निंग्स होने वाली है। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो लाइव सब चल रहा है, सब रिफ्रेश हो रहा है, कोई भी कटिंग इन्वॉल्व नहीं है बीच में। मैंने आपको डोमेन भी दिखा दिया कि ये डोमेन अप्रूव्ड है। अब चलिए आइए सस्पेंस खोलते हैं, एंड वो सीक्रेट्स मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको भी अपना इज़ोइक अप्रूव करवाना है 2024 में तो आपको अपने ब्लॉग पे एग्जैक्टली क्या कुछ फॉलो करना चाहिए उसको अप्रूव कराने के लिए। सबसे पहले आपको एक वेबसाइट बनानी है, जो कि अगेन आई एम होपिंग कि आपने बनाई होगी। स्टेप बाय स्टेप इसको ब्रेक डाउन करेंगे, हेडर से स्टार्ट करेंगे कि हेडर में मैंने ऐसा क्या कुछ कर रखा है। बहुत ही सिंपल एंड क्लीन वाइट कलर का मैंने यहाँ पे हेडर बनाया हुआ है, जहाँ पे मैंने एक होम पेज का लिंक लगाया हुआ है, एक मेन्यू का लिंक लगाया हुआ है, जो कि मेन्यू क्या खोल के देती है, जो भी हमारे आइटम्स वगैरह हैं वो सब खोल के देती है, प्राइसिंग वगैरह खोल के देती है, कुछ यूट्यूब वीडियोज हमने लगा रखे हैं, थोड़ा सा वहाँ पे कॉन्टेंट है। देन यहाँ पे हमने एक ब्लॉग सेक्शन बनाया हुआ है, जहां पे हमने कुछ सब कैटेगरीज को लिंक किया हुआ है, एक अबाउट अस बनाया हुआ है, जहां पे हम बता रहे हैं कि हम कौन हैं। बहुत ही अच्छा सा हमने एक अबाउट अस पेज यहां पे बनाया हुआ है, अपने सोशल मीडिया को लिंक करा हुआ है, राइट? एंड उसके साथ साथ यहां पे हमने कॉन्टैक्ट अस भी बनाया हुआ है, राइट? कॉन्टैक्ट अस में क्या है कि अगर किसी को हमें कॉन्टैक्ट करना है तो हमें कॉन्टैक्ट कैसे करेगा, एड्रेस वगैरह हमने यहां पे दिया हुआ है। सो ये है मेरा पूरा हेडर डिजाइन। फिर मैंने यहां पे जो है जो ब्लॉग डिजाइन रखा हुआ है, वो रखा हुआ है स्टैटिक होम पेज का। टाइम टाइम दोस्तों लेआउट चेंज होता रहता है, एक टाइम पे एडसेंस और इज़ोइक को ये होमपेज डिजाइन नहीं समझ आता था, बट आजकल आ रहा है। सो मैंने यहाँ पे स्टैटिक होमपेज बनाया हुआ। स्टैटिक होमपेज का क्या मतलब है कि यहाँ पे सिंगल होमपेज है, जहाँ पे ऑब्वियसली मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताई हुई है, वो सब मैं अभी आपको ब्रेकडाउन करके बताता हूँ। यहाँ पे मैंने अपने ब्रांड के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि अब अगर मैं इस ब्लॉग के बारे में थोड़ा बताऊँ, जो कि थोड़ा ऑफ टॉपिक है, ये ब्लॉग बेसिकली मैंने बनाया है, एक बहुत ही रियल लुकिंग कैफे का ब्लॉग बनाया है, जहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि ये एक रियल कैफे है US में। उसके ऊपर
मैंने एक ब्लॉग बनाया जहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कॉफ़ी के बारे में, कैफीन वगैरह के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे मैंने वो पूरा लिखा हुआ है अबाउट ग्राइंडिंग, मतलब अबाउट द ब्रांड लिख सकते हो थोड़ा सा। यहाँ पे कुछ रियल फोटोज़ यूज़ करी हुई है, ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है कि लोग जो है रियल फोटोज़ नहीं यूज़ करते, वो ऐसे ही गूगल से उठा के फोटोज़ डाल देते हैं, हमने यहाँ पे वो नहीं किया है। फिर यहाँ पे हमने एक पूरा सेक्शन बनाया हुआ है हमारी जो स्पेशलिटी ड्रिंक्स है, अपने केस में आप यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो जो भी रेलेवेंट हो। जैसे हमने अबाउट अस पेज में टाइमिंग्स वगैरह लिखी थी वो लिखी है, यहाँ पे हमने अगेन अपनी बहुत सारी और फोटोज ऐड करी हैं, कॉन्टैक्ट अस का पेज ऐड किया है, एंड यहाँ पे हमने हमारे लेटेस्ट ब्लॉग्स को ऐड कर दिया और यहाँ पे एक रीड मोर भी कर दिया है। आप पूछोगे कि कितने नंबर ऑफ कंटेंट थे मेरे ब्लॉग पर जब मैंने इस ब्लॉग को अप्रूव करवाया था। दोस्तों कंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, मैंने कंटेंट के ऊपर काफी अच्छे से काम किया था। तो कंटेंट अगर मैं आपको बता तो कुछ जब मैंने इस ब्लॉग को अप्रूवल के लिए भेजा था तो कुछ 40 से 50 कंटेंट मेरी ब्लॉग पे थे, हर कैटेगरी में 10-12 आर्टिकल जिसमें थे। तो ये हो गया होम पेज के बारे में। और फिर यहाँ पे मैंने क्विक सा फुटर बनाया हुआ है, बहुत ही छोटा सिंपल, जहाँ पे अगेन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स लगाए हुए हैं। उसमें है प्राइवेसी पॉलिसी पेज, डिस्क्लेमर पेज, मैंने अमेजोन का भी डिस्क्लेमर लगाया हुआ है, और हमने एड्रेस लगाया हुआ है, और हमने यहाँ पे सोशल मीडिया भी लिंक कर दिया, क्योंकि ये सब इसीलिए किया है ताकि हमारा ब्लॉग ज़्यादा जेन्युइन दिखे यूजर्स को और ट्रस्ट आए। नॉट जस्ट यूजर्स को, जब यूजर्स को चीज़ें जेन्युइन दिखेंगी तो गूगल को ऑटोमेटिकली सब कुछ जेन्युइन दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारी एड्स इज़ोइक की हैं, यहाँ पे इज़ोइक का लोगो भी आ रहा है, तो ये प्रूव करता है कि हाँ मेरा ब्लॉग जो है वो इज़ोइक अप्रूव्ड है। अब अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स की बात करूँ जो अभी इस वेबसाइट पे हैं, तो वो कुछ अराउंड 70-80 आर्टिकल्स हैं। मैं स्टिल एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ कुछ 94 आर्टिकल्स हैं। तो अगेन ये भी एक लेसन है उन लोगों के लिए जो 20-30 आर्टिकल डाल के अपने ब्लॉग पे काम करना बंद कर देते हैं। अभी इस ब्लॉग को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आ रहा दोस्तों, बट स्टिल इसके कीवर्ड्स अच्छे खासे इंडेक्स है, इनफैक्ट इसके कीवर्ड रैंक भी कर रहे हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जहाँ पे मैं लाइव रैंकिंग दिखाऊंगा कि लाइव मैं रैंकिंग कैसे ले रहा हूँ। ये कंप्लीटली मैं एक डिस्क्लेमर और दूँ, ये बात मेरे को शुरू में बोलनी चाहिए थी कि ये जो ब्लॉग है वो एक फ्रेश डोमेन पर मैंने बनाया है, एक्सपायर्ड डोमेन नहीं है, फ्रेश डोमेन पर बनाया है। हार्डली 2 महीने भी नहीं हुए होंगे मेरे को इस ब्लॉग पर काम करते, स्टिल ये ब्लॉग जो है वो कीवर्ड वगैरह इसके अच्छे खासे इंडेक्स हो रहे हैं। मैं आपको अभी लाइव दिखा भी देता हूँ एचरफ्स पे खोल के कि इसके अच्छे खासे कीवर्ड जो है वो इंडेक्स वगैरह हो चुके हैं। सो मैं अगर यहाँ पे आप जैसे स्क्रीन देख सकते हो कि ये 0 DR अभी इसका रेटिंग है, 0 DR की, राइट। एंड यहाँ पे मैं लोड कर देता हूँ एग्जैक्टली, अगर आप देखोगे तो फरवरी में, 25 फरवरी से मैंने चालू किया था, मार्च समझ लो, मार्च अप्रैल में 3 महीने सिर्फ हुए हैं, जून में हम ये वीडियो को शूट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो 3 महीने के अंदर इतने सारे कीवर्ड्स मेरे पिक हो चुके हैं और इतना ट्रैफिक एचरफ के हिसाब से आ रहा है। मैं अभी आपको सर्च कंसोल भी दिखा दूंगा, बट हाँ एज एन आइडिया मैं अगर आपको बताऊँ तो हाँ इतना ट्रैफिक अभी इस ब्लॉग पे आ रहा है, अच्छे खासे बड़े बड़े कीवर्ड्स पे ये ब्लॉग मेरा US के अंदर रैंक भी कर रहा है। तो हाँ, अगर आपके मन में कंसर्न आ रहा होगा क्या ट्रैफिक एक कंडीशन है जो एक अप्रूवल के लिए, तो मैं कहूँगा नहीं, जब हमने इसको अप्रूवल के लिए भेजा था तो किसी भी तरीके का ट्रैफिक इस ब्लॉग पे नहीं था। बट हाँ, जेन्युइन हम काम कर रहे थे, जेन्युइन हमने ब्लॉग बनाया, वो मैंने आपको दिखाया कि जेन्युइन ये कैसे है। तो शायद उन सब चीज़ों से गूगल को लगा होगा कि हाँ हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं आपको एक बार मैं आर्टिकल्स की आपको लेंथ भी दिखा देता हूँ जिससे आपको और आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ बेसिक चीज़ें करी हुई हैं, इज़ोइक की आप एड्स यहाँ पे बहुत इजीली देख सकते हो। एंड कंटेंट की बात करें तो कंटेंट हम बहुत बड़ा कंटेंट में नहीं कहूँगा कि हम लिख रहे हैं, वर्ड काउंट हमारे एनीवेयर बिटवीन 1500 से 2000 है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, देखो 2200 वर्ड्स के आसपास हैं, इसमें इधर उधर का कंटेंट भी आ रहा होगा। तो हाँ, बहुत बड़े कंटेंट भी नहीं लिख रहे, बट हाँ हम जेन्युइन कंटेंट लिख रहे हैं, किसी भी तरीके का AI यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, क्लियर कर दूं ये बात। हैंड रिटन कॉन्टेंट है बहुत ही अच्छे एफर्ट्स के साथ। तो ये सारे दोस्तों वो फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मेरे को जो है इस वीक का अप्रूवल मिला। इस ब्लॉग पे एडसेंस भी अप्रूव हो चुका है, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपकी मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करी होगी जो कि इस वीक अप्रूवल 2024 की। मिलता हूं मैं आपसे ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हमारे पॉडकास्ट चेकआउट करना मत भूलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छे पॉडकास्ट में आजकल ला रहा हूं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।